सबसे पहले तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, चूंकि मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, बिल्कुल, तो जो भी राजनीतिक लोग यहाँ बैठे हैं, हाँ, मेरे बीच में ना बोले, क्योंकि मैं बिल्कुल एक एज ए इंडिपेंडेंट आदमी पूरी चीज को करूंगा। ठीक है सर, बोलिए। देखिए, सवाल यहाँ कितने सारे सवाल थे, सवाल जो हिंडनबर्ग ने उठाए थे, तो पहला तो मैं ये बोलूंगा कि जितनी भी चीजें हिंडनबर्ग ने लिखी थी वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी, चाहे शेयर होल्डर्स के बारे में हो, क्योंकि हमारी कंपनी ने 2019-20 में भी ये सवाल उठाया था कि ये सारे शेयर होल्डर कॉमन क्यों हैं, तो इसका मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन जो थी पब्लिक डोमेन में थी। शेयर प्राइस 5 रुपए से 5,000 हुआ या 100 से 10,000 हुआ, ये कोई भी नहीं बता सकता है कि क्यों हुआ, वेदर इट इज जेन्युइन और नॉट। अब उसमें एक सवाल आता है कि क्या शेयर प्राइस मैनिपुलेटेड था, तो वो कमेटी ने बिल्कुल साफ लिखा है कि सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से, इन्वेस्टिगेशन हिसाब से, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं पाया गया। जनरली शेयर प्राइस दो वजह से बढ़ता है, एक तो मैनिपुलेशन से बढ़ता है कि हम और आप मिलकर मैनिपुलेशन करके शेयर को 1 रुपए से 1,000 रुपए लें, जैसे कई शेयरों में होता है, लेकिन दूसरा शेयर प्राइस कैसे बढ़ता है, जब इंसान को यह लगता है कि आगे चल के ये बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे एक प्लांट आपने लगाया, आज प्लांट की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कल अगर उसमें 5,000 आम होंगे तो आप उसका वैल्यू 5,000 आम के बेसिस पे करेंगे। तो अडानी के केस में इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था कि प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन का एंड प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट का बहुत अच्छा था, और जो उनके आगे के प्लान थे, तो उस चक्कर में यूफोरिया था मार्केट में। वेदर वो सही था या गलत था ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर मुझे मालूम होता तो मैं सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता था, लेकिन वो यूफोरिया की वजह से शेयर बढ़ा। अब शेयर गिरता क्यों है? शेयर गिरता 3-4 वजह से है। एक तो कि भाई कंपनी के रिजल्ट खराब आ गए, या कंपनी के प्रमोटर को कुछ हो गया, या कोई रेगुलेटरी एक्शन हो गया। दूसरा, कोई निगेटिव न्यूज आ गई, जैसे वेदांता के केस में आई थी कि ट्यूटीकोरिन प्लांट बंद हो गया पॉल्यूशन की वजह से। तीसरा होता है कोई रॉन्ग निगेटिव न्यूज आ जाए। अब हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है, इट इज ए क्रक्स ऑफ थोड़ा सा निगेटिव न्यूज विच इज क्रॉनिकल, जो आज से 5 साल पहले से न्यूज पेपर में छप रहा था उसका क्रॉनिकल था। अब सवाल क्या है कि लोग बोलते हैं कि हिंडनबर्ग ने ऐसा किया, तो हिंडनबर्ग का तो बिजनेस ये है। हिंडनबर्ग कैसे ऑपरेट करता है, या तो उसको कुछ इन्वेस्टर अप्रोच करते हैं कि आप इस चीज पे स्टडी करके रिपोर्ट निकालो, और फिर जब हिंडनबर्ग किसी नतीजे पे पहुंचता है तो पहले वो शॉर्ट करते हैं, फिर हिंडनबर्ग रिलीज करता है रिपोर्ट, और या कई बार हिंडनबर्ग इन्वेस्टर्स को अप्रोच करता है। तो हिंडनबर्ग ने तो अपना बिजनेस किया, लेकिन सवाल हमारा ये है कि हमारे यहाँ जो हम लोगों ने बिहेवियर किया, क्या ये सही था? अब इसको मैं कई पहलुओं से एग्जामिन करता हूँ कि आप एक न्यूज चैनल में काम करती हैं, आपके न्यूज चैनल में 500 एम्प्लॉई हैं, नो, अगर कोई मैं गलत न्यूज आपके न्यूज चैनल के बारे में फैलाऊं, तो आपके एम्प्लॉयज के ऊपर क्या रिएक्शन होगा? जी बिल्कुल, आप लोग घबराएंगे कि कल को मेरी चैनल चलेगी कि नहीं चलेगी, मैं दूसरी जगह नौकरी ढूंढू कि नहीं ढूंढू। तो अडानी के पास इतनी सारी कंपनी में लाखों एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आपने उनके ऊपर हिट किया, पहली बात। दूसरी बात, हम ये बोल रहे थे कि सारे लोग बोल रहे थे कि हमको ये चिंता है शेयर होल्डर का क्या होगा। अब आप ये बताइए कि अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नॉर्मल कोर्स आती तो इतना कोई रिएक्शन नहीं होता, बट हिंडनबर्ग की रिपोर्ट टाइम थी इंडिया के बजट सेशन के लिए और अडानी के एफपीओ के लिए टू कॉज मैक्सिमम डैमेज। अब उसमें हमने आग में घी डालने का काम किया कि जितने पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया। अब मेरा सवाल, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उनसे ये है, आप बोल रहे थे कि आप शेयर होल्डर के हित के बारे में बात कर रहे हो, बट आपने तो उनके अगेंस्ट किया, क्योंकि आपके आग में घी डालने से शेयर का फॉल ज्यादा हुआ। तो आपको ये सोचना, आपकी पॉलिटिकल फाइट आप करिए, जितना भी करिए, जितनी भी दुनिया में कीजिए, लेकिन आप अपने ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी को, क्योंकि उसमें जो अडानी के एम्प्लॉयज हैं, शेयर होल्डर हैं, वो कांग्रेस के भी वोटर होंगे, बीजेपी के भी होंगे, टीएमसी के भी होंगे। जवाब ले लेते हैं।